ज्योग्राफी का जो अभी क्या रिसेंटली जो आपने असाइनमेंट भेजा है ना सेकंड चैप्टर का, तो क्या? मैंने भेजा था, तो फिर हाँ बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हैं? बोलो बेटर, कंटिन्यू तो वो होइए। ज्योग्राफी का असाइनमेंट मैंने भेजा था ना, तो आपने चेक करके तो भेजा है, पर ना वो टिक मार्क नहीं आ रहा है, वहां पे मिसिंग लिखा हुआ आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, हो गया होगा बाय मिस्टेक। अगर मैंने रिटर्न कर दिया तो चेक यस सर, चेक तो है, किया वो मैंने, लेकिन टिक नहीं आ रहा है, वहां पे मिसिंग लिखा आ रहा है। तो मिसिंग दिखा रहा है, हो सकता है नहीं रिटर्न तो कर दिया, तुम्हारा पूरा मेटेरियल तुम्हें चला गया। यस सर, हाँ तो इसका मतलब यह है कि मेटेरियल चला गया और टिक नहीं दिखा रहा है इसमें, जो जो नीचे आता है, तो इसका मतलब क्या है? मिसिंग का मतलब मैं दोबारा देख लूंगा। कौन बोल रही है? साधना बोल रही है? यस ठीक है, मैं देखूंगा अभी अभी मेरा इसके बाद एक में पीरियड है तो मैं देखूंगा उसके बारे में सब। ठीक है ना बेटा? चलो सर, यस हाँ, अब आ जाइए मेकिंग ऑफ नेशनल यूरो। इट वाज ऑलरेडी ओवर यस्टरडे, ठीक है ना? जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखा उन्होंने, एंड अदर यूरोपियन कंट्री आल्सो मोटिवेटेड बाय सीइंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एंड आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन सो मेनी यूरोपियन कंट्रीज जिसमें इंक्लूडिंग जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और बहुत सारे कंट्री का इसमें नाम दिया है, जिनमें ऑस्ट्रिया है, ठीक है ना, बोहेमिया है, हंगरी है, ये सब क्या है जो जो ट्राई टू आप कह सकते हैं अप्रूव द एरिस्टोक्रेटिक रूलर्स, और आप कह सकते हैं जो पहले जो प्रीवियसली मोनार्की जो जो गवर्न कर रहे थे, तो दे वांट टू चेंज देयर रूलिंग क्लास एंड दे आल्सो ट्राई टू लिबरलाइज देमसेल्व्स, ठीक है ना? उन्होंने भी उसको देख करके क्या 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 कर दिया, बहुत सारे जो एक तरह से जो मूवमेंट है दे स्टार्ट लॉन्चिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट टू लिबरलाइज देमसेल्व्स फ्रॉम द मोनार्की और फ्रॉम द ऑटोक्रेटिक रूलर्स और फ्रॉम द डिक्टेटरशिप, ठीक है ना? तो ये भी लिबरल के लिए एक मोटिवेट हुए। किससे किससे मोटिवेट हुए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस। से, हाँ फ्रांस से, ठीक है ना? तो उसके बाद आइए द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। द एरिस्टोक्रेसी आप समझ रहे हैं, एरिस्टोक्रेसी का मतलब ये होता है दीज पीपल सारे आप कह सकते हैं फ्यू इन नंबर, बहुत कम नंबर में होते हैं, बट दे आर एंजॉयिंग ईच एंड एवरी फैसिलिटी, मोस्ट ऑफ द जो रिसोर्सेज हैं, मोस्ट ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन हैं, तो दीज ऑल मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज आर जनरली कंट्रोल्ड बाय दीज पीपल। दीज पीपल का मतलब मैं किसके लिए बोल रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट विच पीपल? एरिस्टोक्रेसी, ठीक है ना? जैसे जैसे आप देखेंगे अगर इंडिया से एग्जाम्पल दें, अगर लें तो क्या है, ओनली 10% जो पॉपुलेशन है हमारी, ओनली 10% फैमिलीज आर होल्डिंग मोर देन 90% ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें टाटा बिरला है, जिसमें रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, जिसमें अदानी ग्रुप है, दीज आर द सम लीडिंग ग्रुप्स इन इंडिया। अगर हम देखें यानी कि 10% लोगों के पास क्या है, मोर देन 90% रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय द 10% फैमिलीज ओनली, इन इंडिया की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू, यूरोप में बाद में जाएंगे, अभी मैं आपको केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे तो यहाँ पर ऐसा है, तो जस्ट लाइक इंडिया तो वैसे ही सो मेनी यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो हैविंग दिस टाइप ऑफ सिस्टम, एरिस्टोक्रेसी जो जो कैटेगरी थी दे वर होल्डिंग द मेजर पोर्शन ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल द मींस ऑफ प्रोडक्शन। मींस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर है व्हाट एवर इंडस्ट्रीज वर अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर टाइम, तो दे वर होल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय दीस पीपल, ठीक है ना? एंड एरिस्टोक्रेटिक पीपल यू कैन से। एरिस्टोक्रेसी का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि जो जो सेलेक्टेड फैमिली है एंड दे वर वेरी रिच, और उनका नंबर कितना रहता था, बहुत कम नंबर में रहते थे, बट दे वर कैपेबल टू कंट्रोल द एंटायर रिसोर्सेज। और फिर आगे क्या है आपकी, जो द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय ए एस्टेट इन द कंट्री साइड एंड आल्सो टाउन हाउसेस, यानी कि एस्टेट का मतलब यहां पर है बिग प्लॉट्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, बिग प्लॉट्स उनके पास थे लैंड लो, यानी कि इसका मतलब है दे वर होल्डिंग द बिग प्लॉट्स, ठीक है ना? जिसके पास जमीन होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दोज आर हैविंग द होल्डिंग बिग होल्डिंग्स, तो somehow they are managing their expenditure, somehow they are earning their livelihood in an easily manner because they are having big plots of land on their name. तो automatically क्या हो जाएगा, जब कुछ ना कुछ वहां पर क्रॉप उगाएंगे, जैसे मान लिया टी लगा दिया, कॉटन लगा दिया, वीट लगा दिया, राइस लगा दिया या पल्सेस लगा दिया, तो व्हाटएवर
crop they are growing on their land, so automatically they are going to get a certain amount of money by selling all these commodities into the market automatically. समझ रहे हैं आप कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी लैंड है वो अगर मान लिया सपोज फ्यू एंड्स में है और दूसरे बिना लैंड के हैं तो ऑटोमेटिकली हु इज बेनिफिशियल इन दिस एग्जांपल, तो दोज आर होल्डिंग द बिग प्लॉट्स ऑन देयर नेम, बिग एस्टेट, स्टेट ने एस्टेट, एस्टेट का मतलब बिग प्लॉट, बड़ी बड़ी जो आप कह सकते हैं जो कारखाना जब चलाने वाले हैं और उनके पास बड़ा बड़ा खेत भी है, so they can run their factory by the exploiting their natural resources from their land by growing certain type of crop. Those crops are generally very useful for the agro-based industry. ठीक है ना? तो automatically जो ये सब रखते हैं तो automatically they are going to get certain amount of income. तो ये Facebook fans जिनके जो इस category के होते हैं जो आमतौर से ज्यादातर मौसम का जो आप कह सकते हैं जो फ्रेंच स्पीकर थे वो फ्रेंच स्पीकर क्यों थे, क्योंकि वो अपने आपस में कम्युनिकेट कर लिया करते थे. अभी भी आप देख रहे हैं जितने भी जो बड़ी बड़ी फैमिली है, बड़ी बड़ी फैमिली का मतलब है जो दो बार होल्डिंग द मेजर नेचुरल रिसोर्सेज, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वेल यानी कि दे आर वेरी गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश, दे आर वेल नोन, दे आर हैविंग द नॉलेज ऑफ इंग्लिश. Because English is very necessary for them. Suppose out of 10%, suppose some people are belong to the Tamil Nadu, out of these people only, and some people are suppose they are belong to the Kerala, or some people are belong to the North India, some people are Gujarati, some people are Marathi, some people are belong to the North Eastern part of India. So what is the common language to communicate their ideas with each other when they are joined together, when they are met together? And then they are discussing something jointly because somehow they are united. क्योंकि उनकी एक अलग category होगी, तो somehow they are united, very much united. ठीक है ना? तो whenever they are going to discuss anything regarding future planning, regarding their pricing of the different commodities, तो they are very united. Internally they are very united. और united होते तो they have to use the common language, whatever generally understood by the major section of the society. Within their group, within their group की बात कर रहा हूँ मैं, within their group का मतलब है, जैसे इंडिया में मैंने एग्जांपल दिया 10% जो पीपल हैं, तो they are holding more than 90% of our natural resources. तो those 10% people comes under this category, under this group, तो they have to use the some common language. तो common language, यानी कि still in India, common language is English. You can communicate, यानी कि किसी के साथ भी आप communicate कर सकते हैं. They are highly qualified. आमतौर से क्वालिफिकेशन उनके पास होती है, क्योंकि रिच है, रिच है तो ऑटोमेटिकली आर गेटिंग सर्टेन टाइप ऑफ आप कह सकते हैं स्कूलिंग एजुकेशन और डिग्री और जनरली क्या है, दे आर देयर चिल्ड्रन आर जनरली स्टडीइंग इन द इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो दे आर हैविंग द ग्रेट नॉलेज ऑफ एक कॉमन लैंग्वेज होगी. वहां पर क्या थी यूरोपियन में कौन सी लैंग्वेज का जिक्र किया, फ्रेंच लैंग्वेज, तो इसलिए वो फ्रेंच को सब बोलना और सीखना चाहते थे जिससे कि वो आपस में बात कर सके. तो दैट वाज कॉमन लैंग्वेज इज स्पोकन बाय बाय दीस एस्टोक्रेटिक पीपल जो एस्टोक्रेसी कैटेगरी में आते थे. अभी मुझे लग रहा है क्लियर होना होगा, मैं इंडिया से एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए. बस हां बोलो बेटा, क्लियर हो गया तुम्हें ये? यस सर. हां, दिस पावरफुल एस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली इन स्मॉल ग्रुप. मैंने बताया था न्यूमेरिकली मतलब दे आर इन नंबर देवर लिमिटेड नंबर, मैंने बताया था नंबर में लिमिटेड. भाई मान लिया 100 करोड़ पॉपुलेशन है और उसमें 10 करोड़ आर होल्डिंग द एंटायर रिसोर्सेज, तो रिमेनिंग 90% आर लार्ज नंबर बट स्टिल दे आर स्टिल लैगिंग, दे आर स्टिल नॉट हैविंग द इनफ नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है ना, उनके पास अभी भी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं. ठीक है ना, और जो 10% जो पीपल है major portion of their land, major portion of their natural resources like coal mines, like copper mine, like oil refineries. So these all your means of production are these generally controlled by these aristocratic people. And they are in few number. केवल उनका number काफी कम रहता था, लेकिन they holding entire resources of the continent. To the west, the bulk of land was farmed by the tenants and small owners.
while the strength of the mass state is calculated by subs, यानी कि जैसे जैसे इसमें जैसे हमारे यहाँ होता है ना सब जमीदार साहब के same system है throughout the world almost same similar system is there. जैसे जमीदार इंडिया में कहते हैं land holders, their land holdings are very big and it is not possible to cultivate their land single hand का मतलब family members are very few in these families. So they have to take help from the other people and those who are working on their field. So they are known as the tenants, बोले जाते हैं या small peasants they are we call them. तो small tenants का मतलब है उन्हें किराए पर दे देते हैं, rent के ऊपर दे देते हैं, बटाई के ऊपर देते हैं. जैसे मान लिया 100 units they are going to produce. तो 20 units may be handed over to the tenants or these peasants we can say. Peasant tenants ये दोनों word इसीलिए use होते हैं. Those who are not having any piece of land on their name and but they have to work all the farming practice for others, ठीक है ना. तो उनको जो those who are doing all these work तो their share is generally decided 10% sometimes 15% they are going to get, ठीक है ना. तो दूसरा जो remaining part है तो that was totally taken away by the aristocratic people, those who are owner of that particular piece of land or that particular resource. अब मैं आगे बढ़ूं? Yes sir. हाँ मेरे बच्चे देखो हाँ आगे बढ़ूं ना मैं. फिर क्या है in western part of the central Europe the growth of industrial productions and trade mean the growth of towns. यानी जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी तो automatically most of the industries are associated with the different towns, different आप कह सकते हैं big cities you can say. ज्यादातर जो हमारी इंडस्ट्री है वो डेवलपमेंट कहाँ है ज्यादातर most of the time you have seen most of the big industries are very closer to the town or city. यानी कि वो town और city के काफी close होती हैं. उसके पीछे so many causes may be there. उसके पीछे causes हैं. जैसे most of the जो big cities हैं, they are having good network of transport. Whether we are talking about the roadways, or railways, or railways or waterways, so they are having the good network of transport. फिर क्या है? ये कारण हो सकता है industry development का cities के आसपास. फिर उसके बाद क्या जब ट्रेडिंग सेंटर जब हमारे डेवलप हो जाते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री जब हम डेवलप हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली दोज आर वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्री तो दे विल स्टार्ट सेटल डाउन इन नियर बाय एरिया, ठीक है ना. ऑटोमेटिकली वो एरिया क्या हो जाएगा धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, वो एरिया क्या हो जाएगा फुल ऑफ क्राउड हो जाएगा. फिर उसके बाद मार्केट भी आ जाएगा वहां पर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ लोकल पीपल. सो मेनी सेलर्स बायर्स मे बी देयर, ठीक है ना. तो वहां पर मार्केट प्लेस इज ऑल्सो डेवलप. तो लाइक वाइज इन वेरियस पार्ट ऑफ यूरोप जो जहां पर ट्रेडर यानी कि जहां पर ट्रेडिंग सेंटर और जहां पर इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हो गया तो वहां पर ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट, ठीक है ना. वहां पर पॉपुलेशन का जो कंसंट्रेशन था वहां पर रहना और उनका बसना और परमानेंट अपने मकान बना लेना तो दैट वॉज वेरी कॉमन थ्रू आउट द वर्ल्ड. इट इज कॉमन फेनोमेना चाहे वो कहीं की बात करें ना ये नेचुरल फेनोमेना है. एट प्रेजेंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूरोपियन वर्ल्ड, ठीक है ना. तो इसलिए यूरोप के लिए वो उसकी बात कर रहे हैं. अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में सेम है सेम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम पैटर्न इज देयर, ठीक है ना. तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड. सबसे पहले अगर यूरोपियन वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज बिगिन फर्स्ट यानी कि जो ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो दैट वाज बिगिन फ्रॉम द इंग्लैंड और यूके यू कैन से, ठीक है ना. इन सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एक 18th सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी की कोई डेट बताओ जरा मुझे. सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी टेल मी एनी ईयर हाउ यू कैन प्रोनाउंस इट बताओ जरा. सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एनीबॉडी फ्रॉम द ग्रुप हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर 40 आई थिंक. हां कितना 18 हां दैट साधना यू वांट टू से समथिंग रिपीट कर सके रिपीट द क्वेश्चन. अब मैं क्या अभी क्वेश्चन ही नहीं सुना तुमने. मैंने कहा है इसमें जो मैंने अभी पढ़ाया है इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. तो आई एम आस्किंग टेल सम डेट 18 लेट 18th सेंचुरी की कोई ईयर बताइए मुझे. कैसे आप लिखेंगे उसको कितना 1850 से ज्यादा. नहीं ये तो गलत है ना वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ यही तो मिस्टेक करते हैं. तो 17
जैसा 1758 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18th सेंचुरी हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 18th सेंचुरी का हाफ पार्ट से आगे वाला हिस्सा। अगर 1790 लिखेंगे तो लेटर पार्ट हो जाएगा 18th सेंचुरी का, ठीक है ना साधना? यस सर। तो वो 18 समथिंग लिखेंगे तो ये 19th सेंचुरी का पार्ट हो जाएगा, और 19 समथिंग लिखेंगे तो इट विल बी पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है ना? मतलब ये साल 21 चल रहा है पर सेंचुरी 20, ये 2021 है बट 20th सेंचुरी में 21 है, ये 21 है, 21 का मतलब है 21, जब 20 समथिंग लिखेंगे तो 21st सेंचुरी है वो, इसका मतलब, ठीक है ना? हाँ, मतलब 1758 का मतलब 17 तो हो नहीं सकता, 17 इज ऑलरेडी ओवर, बट 17 तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, 1700 ये तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, पूरी तरह कंप्लीट हो गया, ये यहाँ पर 17 से कंप्लीट होने के बाद 17th सेंचुरी गोइंग टू बी एंड, और तो 1700 समथिंग हो जाएगा तो वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द 18th सेंचुरी, 1701 1702 1703 इसका मतलब वी आर ऑलरेडी एंटरिंग इन द 18th सेंचुरी, ठीक है ना? जब मोर देन 50% ऊपर चला जाएगा तो दैट मींस वी आर कमिंग इन द 18th लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी, जब वो 1790 1780 1775 ऐसा हो जाएगा तो लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है ना? पढ़ेंगे उसे 1780 1785 लाइक दैट, बट इट इज अ पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी, तो ठीक है, यानी कि जो 18th सेंचुरी का जो बाद वाला पार्ट था उसमें इंग्लैंड में सबसे पहले क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स द ओपन ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट वाज स्टार्ट इन इंग्लैंड इन 18th सेंचुरी वो सारा का सारा डेवलपमेंट लेटर पार्ट में, यानी कि 19th सेंचुरी में होगा जर्मन में और स्पेशली इसमें फ्रांस में और जर्मन में, हाँ ठीक है ठीक कंपनी, हाँ फ्रांस में और जर्मन में क्या हो गया, क्या हुआ फ्रांस में जर्मन में 19th सेंचुरी में इंस्टेड ऑफ 18th सेंचुरी, हाँ 18 समथिंग मतलब 18 समथिंग लेटर पार्ट ऑफ 18 का मतलब है 18 समथिंग लिखेंगे जब वो इट विल बी कंसीडर्ड एज ए 19th सेंचुरी, ठीक है ना? तो यानी कि एक सेंचुरी के बाद ऑलमोस्ट तो दे विल स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग द डिफरेंट इंडस्ट्री, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द जर्मन और क्या फ्रांस की बात कर रहे हैं यहां पर लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। अब इंडिया से अगर यूरोप की कंपैरिजन करें, अगर यूरोपियन वर्ल्ड का कंपैरिजन करें तो वी आर सेंचुरीज बिहाइंड when you are compared with the development of Europe and development of India or Asian countries, so we are still centuries back. यानी कि हम जो whatever development करते हैं, यानी कि जो development Europe में पहले हो चुके, तो still we are going on a same process. अभी भी क्या है? Still we are trying to open the large number of industries to provide the variety of jobs to increase the manufacturing industry. तो वी आर स्ट्रगलिंग इंडिया के बारे में डेवलपिंग नेशंस जो है जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं तो दे स्टिल ट्राई टू डेवलप देयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि अभी वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड द सेंचुरी, ठीक है ना? तो मैं इंडिया से इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि जिससे आपको क्लियर कट आइडिया आ जाए इसके बारे में, बस उतना है, बाकी तो उससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है ना? फिर उसके बाद है द वर्किंग क्लास पॉपुलेशन इंक्रीज, मिडिल क्लास मेड अप द इंडस्ट्रीज बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स एंड सेंट्रल ऑफ द ईस्टर्न यूरोप, दिस ग्रुप वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी, इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास, यानी कि दोज हु आर गेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, तो ऑटोमेटिकली दोज हु आर गेटिंग सर्टेन टाइप ऑफ जॉब इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, तो ऑटोमेटिकली देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेनिंग और एजुकेशन, तो ऑटोमेटिकली दोज हु आर गेटिंग सर्टेन टाइप ऑफ जॉब इन द डिफरेंट इंडस्ट्री, तो इसका मतलब क्या है, दे वर एजुकेटेड और एजुकेटेड थे एंड व्हेन एवर दे आर गेटिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेन जॉब टू परफॉर्म द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, तो ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी और देयर वेजेस,
when they are getting their wages or salary, so automatically it will create their demand. Or the demand create hogi, so automatically it will motivate it to establish the different industries in the economical system. ठीक है ना? ठीक है बच्चों? ठीक है? हाँ. जब जैसे-जैसे हमारे income बढ़ेगी, income कैसे बढ़ेगी? हमारे salary मिलेगा तो हमें वो income बढ़ेगी. या हमें कोई काम मिले, वहां से पैसा मिले, उस पैसे से हम खर्च करेंगे. खर्च करने के बाद जो भी हम डिमांड करेंगे मार्केट में, तो इट विल बी द मोटिवेशन फॉर द प्रोड्यूसर्स. अगर मान लिया जैसे बुक परचेज करना शुरू कर दिया अपने बच्चों के लिए, जैसे मान लिया हमने बाइसिकल परचेज करना शुरू कर दिया मार्केट से, तो ऑटोमेटिकली दोज हु आर प्रोड्यूसिंग बुक्स एंड बाइसिकल्स, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ बूस्टर फॉर द इंडस्ट्री. व्हाट एवर आइटम्स यू आर गोइंग टू डिमांड फ्रॉम द मार्केट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दे हैव टू एक्सपेंड देयर इंडस्ट्री, क्योंकि देयर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर बुक्स, देयर इज अ ग्रेट डिमांड ऑफ क्लोथ, देयर इज अ ग्रेट डिमांड ऑफ मेडिसिंस, देयर इज ग्रेट डिमांड ऑफ कॉस्मेटिक आइटम्स, देयर इज ग्रेट डिमांड ऑफ शूज और फैन और फर्नीचर. तो जिसकी भी डिमांड आएगी तो वो इंडस्ट्री क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा होगा उसमें. ठीक है ना? तो दैट वाज अ कॉमन एजेंडा इन दैट पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, फिर कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. मैं आज इसको थोड़ा कंप्लीट करना चाह रहा था. और लिबरल का मतलब, लिबर का मतलब यहाँ पर फ्री. फ्री का मतलब यहाँ पर है व्हेन यू आर गोइंग टू गेट सर्टेन फ्रीडम, यू आर फ्री टू स्पीक, यू आर फ्री टू शेयर योर आइडियाज, यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द गैदरिंग. तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ लिबरल एटीट्यूड. ठीक है ना? जैसे मान लिया सपोज नाउडेज आवर गवर्नमेंट इज रन बाय द डेमोक्रेटिक सिस्टम and you are free to speak anything in front of the common people, or you can criticize the wrong policy of the government. So, iska matlab kya ho gaya? Our government is very much liberal about your ideas. They are ready to listen your voice. They are ready to calculate your aap kah sakte hain programs, whatever suggested by some political leaders. So, iska matlab kya hai? They are very liberal about their ideology. They are ready to listen each and every one. And you feel free when you are saying that we are liberal in attitude. So, इसका मतलब क्या है? Our authorities are ready to listen our voice. So, इसका मतलब क्या? They are very much liberal about their attitude. ठीक है ना? ये मतलब हो गया liberal का मतलब यहाँ पर. दोबारा जिक्र आया तो दोबारा मैंने बता दिया. आगे बढ़ूँ मैं? Yes, sir. एक suffrage इसमें बढ़ा है. Suffrage. Everybody knows what is meant by suffrage movement. जानते हैं suffrage movement? Yes, sir. क्या है बोलिए. जब मूवमेंट ने किया था राइट टू वोट के लिए. मूवमेंट फॉर टोटली एब्सोल्यूट राइट टू वोट, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज उसको बोल सकते हैं, वो एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है ना? इन द बिगनिंग स्टेज, चाहे यूरोप की बात करें चाहे वो इंडिया में बात करें ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, तो एवरीबॉडी वाज नॉट हैविंग द राइट टू वोट. ओनली फ्यू पर्सन आप कह सकते हैं गेटिंग दैट पर्टिकुलर राइट. और वुमेन्स वर for not getting their suffrage right. So in USA they launched a suffrage movement to get the aap keh sakte hain political right, especially voting right ke liye suffrage movement ka jo zikr aata hai, always it is related to voting right, right to vote. theek hai na? to iske bare mein thoda sa bata ke main aage badhta hu. ye clear ho gaya suffrage, aapko clear ho gaya liberal attitude, aapko clear ho gaya. uske baad a new conservatism after 1850 को मैं कल कराऊंगा. ठीक है ना? क्योंकि अभी मुझे दूसरी क्लास में जाना है. ठीक है बेटा? और prepare well for your PT1. अच्छी तरह preparation करो उसके ढंग से. एक chapter जितने भी आ रहे हैं उसमें उनको सबको reading करो, बार बार read करो, क्योंकि additional question भी आएंगे और जो exercise वाले वो भी आएंगे, बीच में आ सकता है. ठीक है ना बेटा? तो please prepare well. ऐसा समझो इसको जैसे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही हो, वैसा ही करना है. अदरवाइज तो क्या होगा, फिर आपका स्कोर धीरे धीरे